हॉकिंस कुकर लिमिटेड वर्सेस मुरुगन एंटरप्राइजेस। इस केस के फैक्ट्स इस तरह है कि इसमें प्लेंटिफ जो है हॉकिंस कंपनी वो सूट फाइल करती है इन्फ्रिंजमेंट का मुरुगन एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट। मुरुगन एंटरप्राइज जो है वो अपने ब्रांड म्यूर के अंडर गैसकेट्स बेच रही होती है। गैसकेट्स मतलब जो कुकर के ढक्कन की रबड़ जो होती है वो बेच रही होती है और उस पर लिखती है इट इज़ सूटेबल फॉर हॉकिंस कुकर्स एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ कुकर्स। इसलिए प्लेंटिव हॉकिंस उसके खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर देता है। लेकिन मुरुगन एंटरप्राइजेस अपनी ये कंटेंशन रखती है कि सेक्शन 30 क्लोज 2 सब क्लोज डी में ये बात की गई है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट्स और एसेसरीज में। तो हम जो गैसकेट्स बेच रहे हैं वो पार्ट और एसेसरी है कुकर का, तो इसलिए हम पर इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता। सेक्शन 30 क्लोज 2 सब क्लोज डी हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर यह ऑब्जर्व करती है कि डिफेंडेंट जो यहाँ पर गैसकेट्स बेच रहा है उस पर रेड लेटर्स में हॉकिंस लिख रहा है और जो दूसरे अदर टाइप्स के कुकर्स हैं कि सूटेबल फॉर अदर कुकर एज वेल वो चीज़ वो ब्लैक लेटर में लिख रहा है, इसलिए वो रेड लेटर्स में हॉकिंस को लिखकर पब्लिक को डिसीव कर रहा है। और कोर्ट कहता है कि हॉकिंस जो है वो एस्टेब्लिश ट्रेडमार्क है। और कोर्ट ये कहता है कि 30 क्लोज 2 सब क्लोज डी ये भी बात करता है कि ये रीजनेबल होना चाहिए और डिसीव करने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफेंडेंट यहां पर प्रूव नहीं कर पा रहा ये चीज कि ये रीजनेबल कैसे है। इसलिए कोर्ट जो है डिफेंडेंट को 3 महीने का टाइम देता है कि वो इस मार्क को रिमूव करे।